अपने पिछले वीडियो में हमने न्यू कमन के द्वारा व्हील को घुमाने का अरेंजमेंट बनाकर सक्सेसफुली रन करते हुए देखा, पर उस अरेंजमेंट में एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर बार सिलेंडर को गर्म और स्टीम को पानी में बदलने के लिए ठंडा करने पर पिस्टन के द्वारा एक ही स्ट्रोक मिलता था और फिर ठंडे सिलेंडर को दोबारा गर्म करने में बहुत सारा फ्यूल वेस्ट होता था, जिसकी वजह से इस अरेंजमेंट को चलाने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की और फिर आए स्टीम इंजन के पिताजी, आई मीन फादर ऑफ स्टीम इंजन, सर जेम्स वॉट, जो एक स्कॉटिश इन्वेंटर, मैकेनिकल इंजीनियर और केमिस्ट थे। उन्होंने न्यू कॉमन के डिजाइन में बदलाव करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा, क्यों ना स्टीम को एक अलग कंटेनर में ठंडा किया जाए, और ऐसा करने से सिलेंडर का टेम्परेचर भी कम नहीं होगा, जिससे उसको बार बार गर्म करने में लगने वाला फ्यूल भी बच जाएगा। जल्दी ही इस अरेंजमेंट को पहियों की गाड़ी पर लगा दिया गया और हमें अपनी पहली स्टीम कार मिल गई। पर अब एक नई समस्या सामने आ गई। बार बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करके पिस्टन को मूव करने का अरेंजमेंट बहुत ही धीमा था। कमेंट में बताएं कि उन्होंने इसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाया होगा। सही जवाब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।